खारघरच्या माजी नगरसेवकांवर हफ्तेखोरीचा आरोप करणारी बातमी टाइम्स ऑफ इंडिया या इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध झाली होती. सदर घटना या जाणीवपूर्वक भाजपला बदनाम करण्याच्या दृष्टिकोनातून पूर्वनियोजित कटानुसार केल्या आहेत. यातील सचिन इंगळे हा खारघरच्या फुटपाथवर अनेक ठिकाणी वेगवेगळे धंदे लावण्याकरिता जागा उपलब्ध करून देतो, तसेच हा सर्रासपणे हफ्तेखोरी करतो. याविरोधात भाजपचे खारघर शहर सरचिटणीस कीर्ती नवघरे आणि ॲडव्होकेट अमर उपाध्याय यांनी महानगरपालिकेत वारंवार संदर्भात पत्रव्यवहार केला आहे. वारंवार या प्रकाराबद्दल आवाज उठवत असल्याने विरोधकांचा हस्तक सचिन इंगळे याला पुढे करत भारतीय जनता पार्टी खारघर आणि पदाधिकारी नगरसेवक यांची नाहक बदनामी केली जात आहे. या संदर्भात युवा नेते अमर उपाध्याय यांनी पत्रकार परिषद घेत टाइम्स ऑफ इंडिया या दैनिकाचा पत्रकार निव्वळ पोलीस अधिकारी अर्जुन गरड याच्या दबावाखाली एकतर्फी बातमी प्रसिद्ध करत आहे. याचा जाहीर शब्दात निषेध करत एकतर्फी बातमी प्रसिद्ध करून टाइम्स ऑफ इंडिया या दैनिकाने आपली विश्वासार्हता गमावली असल्याचे सांगितले आहे. हम फेरीवालों के विरोध नहीं है, हमने फेरीवालों के लिए महानगरपालिका की तरफ से उनके लिए भूखंड रिजर्व किया हुआ है. सिडको से हमने डिमांड किया हुआ है महानगरपालिका के जितने भी क्षेत्र है वहां पर फेरीवाला भूखंड है, वहां पर जल्दी विकास होने वाला है. आमदार साहब के नेतृत्व के नीचे ये बहुत बड़े विकास कार्य यहाँ पे होने वाले हैं, लेकिन कुछ फेरीवालों को जो है मार्केट में न जाते हुए फुटपाथ पे ही ऐसी लोगों को तकलीफ देने देकर धंधा करना पसंद है और हम लोग को नहीं होने देंगे, इसका उन्होंने विरोध किया. लेकिन इसमें से एक जो फेरीवाला है जिसका नाम है सचिन इंगले का मुझे फोन आया था और उसने मुझे बोला कि आप लोग हमारे पे जो अत्याचार कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, वो हम नहीं सही करेंगे. मैं आपको इसके प्रति आपको वार्निंग देता हूँ, हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. मैंने उसी वक्त इंगले को बोला था कि देखो मैं हम लोग लोगों के हित में काम करते हैं, तुम फेरी वाले हो, तुमको नियम के अंतर्गत जो कायदा है फिर महापालिका का जो कायदा है उसके अंतर्गत आपको जहां पे स्थलांतर करके हम लोग जरूर आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन फुटपाथ और रास्ता आप मुक्त करो, फुटपाथ रास्ते पे धंधा मत करो, ये हमने उनको क्लियरली बताया था. लेकिन उस चीज का उसको गुस्सा आया और एक दिन यहां पर राजनीति घुस गई. जब हमारी तरफ से वो लोगों को अतिक्रमण का कोई भी सपोर्ट नहीं मिला तो वो हमारे विरोधी के पास गए और विरोधी के पास जाने के बाद उन्होंने विरोधी के मार्गदर्शन के नीचे मुझे और मेरे साथीदारों को बदनाम करने की कोशिश की. जो रचना उन्होंने रची उसमें जो इंसिडेंट हुआ जनवरी में आरटीपीएस स्कूल में, आरटीपीएस स्कूल के गेट के पास आपको बताना चाहता हूं, 11 तारीख को सचिन इंगले और उसकी वाइफ दोनों आए. सचिन इंगले ने अपनी औरत को सामने खड़ा कर मुझे, सब मेरे जो नगर सेवक मित्र है, पदाधिकारी है, उनके बीच में मुझे हल्ला करने की कोशिश की गई. उसका पूरा सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है, सीसीटीवी फुटेज में आप लोगों को शेयर करूंगा. और मेरे को अनगिनत गंदी गंदी गाली देने का भी उन्होंने प्रयास किया. उस वक्त हमारे महिला मोर्चाओं की कुछ महिलाएं थे जिन्होंने उस महिलाओं को रोका और मेरे पर हल्ला होने का जो प्रयत्न रच रहा था वो सक्सेस नहीं हो पाया. फिर हमने इमीडिएटली पुलिस स्टेशन को जाकर मैं और मेरी मिसेज ने एनसीआर किया, जिसमें 323 505 और 506 के तहत एनसी किया और ये एनसी हुई 12/1/2023 को रात के मतलब 1 तारीख के रात को 12 बजे के बाद. और उसके बाद हमने कंप्लेन देने के बाद हम घर आ गए. घर आने के बाद दूसरे दिन हमने महानगर पालिका में फिर कमिश्नर साहब से मिले, बोले सर देखो ये महानगर पालिका के जो फेरी वाले हैं ये इस तरीके का जो अभी अत्याचार करने की सोच रहे हमारे ऊपर, इसके बारे में आप ध्यान रखिए और कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए, ये रुकना चाहिए, इसका पूरा प्रयास कीजिए. कमिश्नर साहब ने इमीडिएटली इसका दखल दिया और उन्होंने कार्रवाई बढ़ा दी. कार्रवाई बढ़ाने के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ मैं आप लोग बताना चाहता हूँ. फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो कार्रवाई होने लगी तो यही फेरी वाला जो है इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया हमारे प्रति कि हम लोग इसको धंधा करने नहीं दे रहे फुटपाथ पर. उसने फिर किसी हमारे विरोधक के मार्गदर्शन के नीचे फिर से एक प्लान रचा और उसने एक वीडियो बनाया. उस वीडियो में ये क्लियरली बोल रहा है, खुद वो बंदा जो वीडियो बना रहा है, ये कोई पत्रकार के माध्यम से नहीं हुआ, ये खुद पर्सनली उसने बनाया है. फेरी वाले को बोल रहा है
कि अमर उपाध्याय को तुम कितना हफ्ता देते हो, बोलो 10,000। और ऐसा वीडियो बनाकर उसने सब जगह वो वीडियो वायरल किया, मेरे तक वो वीडियो आया। वो वीडियो के आधार पे ही आज की जो न्यूज छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज में, जो न्यूज छपी है वो उसी आधार पे छपी है कि वो वीडियो के आधार पे ना कोई उसका इविडेंस देखा ना कुछ देखा और न्यूज छाप दी गई, जो कि पूरी गलत है। इसका पूरी जांच पड़ताल होने के बाद ही होना चाहिए था, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। मुझे फोन आया था लेकिन मैंने उस चीज के बारे में पूरा इनकार कर दिया और मैंने उनको बोला कि आप इस मुद्दे के तहत तक जाइए और इसका इंक्वायरी कीजिए और फिर आपको अगर जो छापे वो छापिए। लेकिन वो पत्रकार भी किनके दबाव में थे मुझे मालूम नहीं। पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट।